देखो शीट नंबर ऑब्जेक्टिव 76, इसके अंदर क्या गिवन है कि मेटालिक रिंग इज अटैच विद इन अ रूम, तो एक रिंग है और इस रिंग में देखो इस रिंग के अंदर एक मैग्नेट नीचे गिर रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे आएगा तो रिंग के ऊपर वाले हिस्से पे नॉर्थ डेवलप होगा और वो क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। नॉर्थ का मतलब ऊपर से करंट अगर देखा जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वो तो सॉलिड में याद ही किया हुआ है ना हमने, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल होता है, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक बार मैग्नेट आ रहा है और मैग्नेट जब नीचे आ रहा है तो द एक्सेलेशन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट वाइल इट इज पासिंग थ्रू द रिंग इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि रिपल्शन मिल रही होगी तो जो वैल्यू होगी वो लेस देन जी होगी, वो नीचे गिर रहा होगा तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, लेस देन जी होगी, और जब वो नीचे पास कर जाएगा तो साउथ उसे खींच लेगा तो फिर से एक्सेलेशन लेस देन जी ही होगी हर हालत में, तो एक्सेलेशन की वैल्यू लेस देन जी ही रहेगी, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको ये गिवन है कि एक कॉपर की, हमने डिस्कस किया था कॉपर की वो जो एक सिलेंडर बना हुआ है और सिलेंडर रिंग से बना होता है तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कॉपर रिंग, अच्छा ये अलग है, सॉरी आई एम सॉरी, ये रिंग है और रिंग बीच में कटी हुई है, आई एम सॉरी, तो एक मैग्नेट इसमें से गिर रहा है तो कॉइल क्योंकि ब्रोकन है इंड्यूस्ड ईएमएफ तो डेवलप हो जाएगी बट इसमें करंट नहीं होगा क्योंकि करंट घूमने के लिए क्लोज पाथ चाहिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा लेकिन करंट नहीं होगा तो एक्सेलेरेशन अभी भी लेस देन जी ही रहेगी। क्यों, अच्छा हाँ सर, पोल डेवलप नहीं होंगे, आई एम सॉरी, इक्वल टू जी इसलिए क्योंकि पोल डेवलप नहीं होंगे, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगी, करंट घूमेगा तो ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पोल डेवलप होंगे ना, तो फिर पोल नहीं डेवलप होंगे सॉरी, बिकॉज इसमें करंट नहीं घूमेगा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही रहेगी, राइट। ठीक, तो यही फर्क है दूसरे और इसमें, ये तो फिर सेम ही हो जाता। तो ये क्वेश्चन सेम है जो मैं बता रहा था, एक मैग्नेट को ड्रॉप किया जा रहा है, वो सिलेंड्रिकल रिंग्स की तरह ट्रीट करना है एंड इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या आगे बना है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, हाँ अभी अभी किया हमने इलेक्ट्रॉन वाला, मूव करने वाला क्वेश्चन सेम करवाया, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि करंट फ्लोइंग इनटू द टू कोएक्सियल क्वाइल्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू द इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, वो क्यों, क्योंकि दूर करने से फ्लक्स डिक्रीज होगा और वो कॉइल नहीं चाहेगा मेरा फ्लक्स डिक्रीज हो, एक मिनट, करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करना चाहता था, करंट फ्लोइंग इन टू कोएक्सियल कॉइल इन द सेम डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू द इलेक्ट्रिक करंट विल बी ओके, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है, नहीं एक मिनट, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, मान लो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो ये साउथ है और यहाँ पर मुझे सेम डायरेक्शन है लेकिन जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे भी एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना, यहां देखेंगे तो क्लॉकवाइज, यहां देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। अब ये पैरेलल वायर वाला केस नहीं है, ये लूप वाला केस है, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, अब ये अट्रैक्ट होना चाहते थे, ये अगर क्लॉकवाइज है तो सेम डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज, हाँ वो देखता हूँ एक मिनट, वापस उस पर जाना पड़ेगा मुझे, ये क्लियर है यहाँ तक, तो इसका मतलब अट्रैक्ट होना चाहते थे और मैंने इनको सेपरेट कर दिया तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ी, वो क्वेश्चन सेम था पहले वाला, ऑपोजिट था, फर्क है ना, तो इसमें करंट सेम है, उसमें पास लाना था इसमें दूर लेके जाना है, उल्टा है, ठीक डायरेक्शन से, हाँ तो ठीक है, नहीं वो तो आप बीच में खड़े हो जाओ ना, आप इधर से देखो, आप डिसाइड कैसे करते हो कौन सा पोल नॉर्थ और साउथ है, अगर आपको यहाँ से क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो वो साउथ है और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ है, तो अगर सेम डायरेक्शन में तो इधर देखोगे तो क्लॉकवाइज, इधर देखोगे एंटी क्लॉकवाइज है, साउथ एंड नॉर्थ है, ठीक। तो इस केस में जो नेक्स्ट केस है, इसमें ना रेजिस्टेंस गिवन होनी चाहिए तो ही आंसर आएगा इसमें, ये लास्ट वाला, तो एक रिंग है उसकी मान लो रेजिस्टेंस आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला है, स्विंग करने वाला है, तो ये थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि
जब ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी क्योंकि एरिया चेंज हो रहा होगा, राइट? तो ईएमएफ इसमें डेवलप होगी, ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन द रिंग विच अपोजिस चेंज इन फ्लक्स. ठीक, चेंज इन फ्लक्स. तो अब होगा क्या, इसमें करंट इंड्यूस होगा पर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी डिसिपेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली स्विंग करता 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 वो रेस्ट पे आ ही जाएगा. रेजिस्टेंस ना होती फिर स्विंग करता रहता, फिर कोई चक्कर नहीं था, पर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इसको रेस्ट पे आना ही पड़ेगा, बिना रेजिस्टेंस के नहीं होगा. सी ऑप्शन क्या है, लार्जर टाइम पीरियड. वो कैसे, ऑप्शन सही नहीं है इसके. एल्यूमिनियम रिंग बी, तो इसमें एल्यूमिनियम की रिंग है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें सोलेनोइड की तरह काम करेगा, इस तरफ होगा. तो आपको ये बताना है करंट आई थ्रू ए कैन बी ऑल्टर्ड. तो क्या ये ऑप्शन सही है, इफ आई इंक्रीज, अगर मैं इसमें इंक्रीज करूंगा तो ये रिपेल करेगा क्या, हमने इंक्रीज करने से रिपेल ही करेगा ऑब्वियसली, दूर ही जाएगा, पास तो आएगा नहीं. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि एक सोलेनोइड है और अगेन फिर से सेम स्टोरी है और वो कह रहा है ये पास आ रहा है. अगर ये पास आ रहा है तो उस केस में करंट सोलेनोइड में यहाँ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा इस ऑब्जर्वर को. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये नॉर्थ है, तो रिंग के इस तरफ भी क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ डेवलप होगा. नॉर्थ का मतलब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो पीछे की तरफ से क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा. मतलब पहले यहाँ से देखना है, ऑपोजिट पोल यहाँ डेवलप करना है, फिर यहाँ उसके ऑपोजिट कर लेना है. तो यहाँ साउथ बनेगा, तो साउथ का मतलब क्लॉकवाइज है. ठीक, तो ऐसे सोचना है इसको. नेक्स्ट है, जैसे ये सेम क्वेश्चन है, वो जो ढक्कन उछल जाता है तो एडी करंट्स का सेम क्वेश्चन है कि आपने ये पहले भी, तो ये इसकी जरूरत नहीं है. अब जैसे ये है, इसके अंदर मैग्नेट्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो ये मैग्नेट यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है. तो जब ये मैग्नेट नॉर्थ इधर आ रहा है तो उस केस में ये कौन सा पोल है, नॉर्थ डेवलप होने की कोशिश करेगा, और साउथ आ रहा है तो ये साउथ हो जाएगा. तो अगर रिंग के यहाँ साउथ है तो क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो टू टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और वन पॉजिटिव. मतलब ये ऐसे पड़ा हुआ है कॉइल, और ऐसे पड़ने में क्लॉकवाइज देख लेना कैसे जनरेट होगा, तो क्लॉकवाइज ये बैटरी है बीच में ऐसे होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. तो ऑब्जर्वर को उल्टा लगेगा, पर हम मैंने तो ऐसे सॉल्व कर लिया उस तरफ से. हाँ एक ही बात है, जो इधर से बैटरी के टर्मिनल दोनों उल्टे हो जाएंगे, बैटरी के टर्मिनल तो जहाँ से मर्जी करो सेम ही रहेंगे ना वो, तो ठीक है ना. तो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, मुझे तो लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा इसमें. हाँ तो चार्जिंग होएगी इसकी, वो एक ही बात है, चार्जिंग होनी तो वैसे ही है ना, फ्रॉम माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, तो रूल तो वही रहेगा इसमें. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द ग्राफ शोज द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई. तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज हो रहा है टाइम के साथ थ्रू अ कॉइल, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट. तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और फिर इस तरीके से अपना जो है क्वाड्रेंट चेंज कर रही है. तो बी पॉइंट पे फ्लक्स एकदम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बी से लेके सी एकदम डिक्रीज हो गया. तो फ्लक्स डिक्रीज फ्रॉम बी टू सी, इंड्यूस ईएमएफ इसमें क्या होगी,
मैक्सिमम होगी। तो कह रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, वो कह रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ईएमएफ जीरो होगी बी पे, जबकि बी पॉइंट पर सेम टाइम पर उसी टाइम पर बी एकदम फ्लक्स डिक्रीज हो गया, चेंजिंग फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो ईएमएफ तो जीरो तो नहीं होगी ना, तो इनकरेक्ट पूछा उसने, नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन नॉट करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ये लूप एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, तो जैसे ही इसमें एंटर करेगा, जब एंटर कर रहा होगा फ्लक्स इंक्रीज होगा विद अ कॉन्स्टेंट एट ईएमएफ आएगी, जब अंदर एंटर कर जाएगा ईएमएफ जीरो हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, और जब बाहर आएगा ईएमएफ की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, रहेगी कॉन्स्टेंट ही बिकॉज वेलोसिटी इसमें कॉन्स्टेंट है। जब पूरी तरह अंदर आ जाएगा तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा लूप का, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा कुछ देर के लिए, वो तो जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलता है या एंटर करता है तब एरिया वेक्टर चेंज होगा बी के साथ। ठीक, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू सर्कुलर क्वाइल्स ए एंड बी फेसिंग ईच अदर, करंट आई कैन बी ऑल्टर्ड, तो वही सेम चीज़ है, अगर मैं करंट आई बढ़ाऊंगा तो ये रिपेल करेगा सेम, तो बहुत अब पता ही लग गया कि करंट आई बढ़ेगा तो रिपेल करेगा, तो प्रैक्टिस से बहुत दिखना ही स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ना एक ये रीजन गिवन है और ग्राफ किसके किसके बीच में गिवन है, बी और टी के बीच में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी और टाइम का ग्राफ है, तो आपको ये बताना है कि ईएमएफ किस में मैक्सिमम होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, एरिया इनटू डीवी बाय डीटी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डीवी बाय डीटी, रीजन ए, ये रहा ए रीजन, ए रीजन में तो डीवी बाय डीटी जीरो है तो ईएमएफ क्या एकदम जीरो है, फिर यहाँ पर डीवी बाय डीटी पॉजिटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव है, फिर यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर फिर चेंज हो रही है ईएमएफ, तो आप इस तरीके से ग्राफ से स्लोप से देखोगे तो मैंने रीजन नंबर ए में जीरो किया है, रीजन नंबर सी में स्लोप जीरो है उसमें भी जीरो किया है, और डी रीजन में और एंड सी रीजन में नॉट जीरो है और मैग्नीट्यूड इनका बराबर होगा, तो यहाँ से ऑप्शन कैन बी मार्क्ड, तो डी स्लोप देख के पता लग जाएगा आप लोगों को कैसे आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।